क्या नाम है सर आपका? प्रवीण श्रीवास्तव। क्या है आप? जिला महामंत्री जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ बहराई। भारी संख्या में नगर कोतवाली पर मौजूद है, क्या मामला? हमारे एक शिक्षक साथी जितेंद्र राय जी है, इनके साथ आज शाम को 4:30 बजे के लगभग मेडिकल कॉलेज के जो ट्रेनीज स्टूडेंट है उन्होंने मारपीट की और इनको बहुत ज़्यादा अंदरूनी चोट भी आई। इस संदर्भ में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए हम सभी शिक्षक यहाँ पे एकत्र हुए हैं। अभी प्रार्थना पत्र दिया गया है और अभी बात हुई है कि इसको दर्ज करने के लिए प्रयास किया जा रहा है और शीघ्र दर्ज करने का प्रयास किया गया है। कोतवाल साहब ने आश्वासन भी दिया है, अगर क्या बोलते हैं इसमें कोई हिला हवाली होती है तो हम सभी शिक्षक अगला अपना कदम उठाएंगे। मतगणना नजदीक है, आप लोग शिक्षक हैं तो क्या आप लोग की ड्यूटी वगैरह ड्यूटी में लगी हुई है? ड्यूटी हमारे बहुत से शिक्षकों की लगी हुई है और जैसा शासन प्रशासन चल रहा है, योगी जी की नीतियाँ अच्छी है, हमको लगता है शासन का ये पूरा चल रहा है, इस वजह से लग रहा है कि हमको FIR दर्ज हो जानी चाहिए और आश्वासन भी मिला है कि और वहाँ की एक पुलिस के साथ में भेज रहे हैं इनको, इनका मेडिकल कराने के लिए। उम्मीद यही लग रही है कि FIR हमारी 80 दर्ज हो जाएगी। क्या इससे पहले भी इस तरह की कुछ नौकरियों को वहाँ आसपास होती है? हाँ, कई और क्या बोलते हैं सुनने में आया है कि वहाँ के जो अराजक कुछ लोग हैं लगातार मारपीट कर रहे हैं और ऐसा कोतवाल जी भी कह रहे थे कि कुछ ऐसी सुनने में घटनाएं आई हैं कि वहाँ पे हो रही हैं और हम प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि वहाँ की इस सुरक्षा को और भी चाक चौबंद किया जाए जिससे ये अप्रिय घटना भविष्य में ना होने पाए। क्या नाम है? मेरा नाम जितेंद्र राय है। मैं मोहल्ला अकबरपुरा में रहता हूँ। मैं एक शिक्षक हूँ, जूनियर शिक्षक सहायक अध्यापक हूँ जूनियर। भारी संख्या में आप लोग नगर कोतवाली के पास मौजूद हैं, क्या मामला? आज दिनांक 11/5/2023 को समय तकरीब 4:30 बजे शाम को मुझे मेडिकल कॉलेज के लड़कों ने मारा पीटा है। मेडिकल कॉलेज के सामने आप वहाँ क्या कर रहे थे? मैं वहाँ पे मौर्या जनरल स्टोर है, वहाँ से कुछ सामान खरीदने गया था, वहीं के निवासी भी हूँ तो मैं सामान लेने गया था। वहाँ पे बाइक को हटाने के लिए उनकी बाइक आड़ी तिरछी खड़ी थी, मैंने उनसे कहा कि बाइक अपनी सीधी कर लीजिए, इसी पे भी विवाद हुआ है। फिर क्या हुआ सर? फिर उन्होंने सैकड़ों की संख्या में जनबल बुला लिया, अपने छात्रों को बुला लिया और लात घुसे मुक्के से मुझे बहुत पीटा है तो अंदरूनी चोटें लगी हैं। ये घटना प्रथम है या इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई? मेरे साथ तो पहला है, लेकिन हम मोहल्ले में इन लोग की दादागिरी कुछ ज्यादा ही चल रही है। आए दिन जैसे चाहते हैं वैसे गाड़ी लगा देते हैं, बोलने पे मारपीट जैसे कि मुझे मारा, इस प्रकार हो सकता है छिटपुट घटनाएं हुई हो जिनका मुझे संज्ञान नहीं है। बच्चे तो यहाँ पढ़ने आते हैं, शिक्षा लेने आते हैं, इस तरह की घटना करते हैं? अब इसके बारे में तो उनके पता किया जाए, उनसे पता किया जाए कि वो यहाँ पे अपनी फ्यूचर बनाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन जो कृत्य कर रहे हैं वो जरूर उनका फ्यूचर बिगाड़ने पे।